अपने जिगर के टुकड़ों को कोई ये चाहेगा वो शैतान बने, बुद्धू बने, बेवकूफ बने, कुंभकर्ण की औलाद बने, खून पिया बने, चाहेगा कोई? फिर ऐसा सोचते क्यों हो? फिर बोलते क्यों हो? माता को प्रथम गुरु क्यों कहा गया? क्योंकि हर सुबह को प्रथम आवाज अपने बच्चे को मां लगाती है, और जिस आवाज से वो अपने बच्चे को संबोधित करती है वही उसका व्यक्तित्व बनता है, वही उसका चरित्र बनता है, वही उसका भविष्य बनता है। अब देखिए मोस्टली क्या हो रहा है आजकल के जमाने में कि मियां बीबी दोनों जॉब करते हैं अधिकतर। अच्छा चलो मियां जॉब करते हैं तो बीबी भी जी लेती है, पति को कपड़े देने हैं, बच्चे का ब्रेकफास्ट बनाना है और बच्चा सोया पड़ा है। बच्चे को नींद सुबह को बड़ी अच्छी आती है, गहरी नींद आती है, वो डेल्टा में होता है उस समय। अम्मा उठाने गई एक बार तो ठीक है, प्यार से उठा, बच्चे बेटा उठ जा देर हो रही है। अब बच्चा उठ तो गया, लेकिन हमने भी जो बचपन में किया वो आप भी जानते हो कि जागे हुए को कौन उठाए, आलस में पड़े हैं। फिर दूसरी बार गई कि उठ जा, फिर उसने ऐसे करवट बदला, फिर भी अनसुना सुना कर दिया। तीसरी बार क्या हम माँ वाक्य उच्चारेंगे? वो कुंभकर्ण की औलाद दिमाग खराब करता है, रोज सुबह सुबह खून पिया, सुबह दिमाग खराब कर देता है, शैतान कहीं का बुद्धू। कितने सारे टाइटल दे दिए मैंने उस समय उसे, जब उसका सबकॉन्शियस माइंड, जब उसका अंतर्मन जगा है, जब मेरी एक एक बात सीधा उसके अंतर्मन में जाकर उसके व्यक्तित्व का, उसके चरित्र का निर्माण करने वाली है। इसलिए इस तरह की आवाज अपने बच्चों को मत दीजिए। जो आप अपने बच्चों को देखना नहीं चाहते, ना तो उनके बारे में सोचिए, ना बोलिए, ना सुनिए। जो देखना चाहते हो वही बोलिए, वही सोचिए, वही सुनिए। हमारे देश में रोल मॉडल्स की कमी नहीं है। आप इतिहास उठाइए, कितनी महान आत्माओं का देश है, कितने वीर पुरुषों का देश है। इसी भारत में स्वामी विवेकानंद जन्मे हैं, इसी भारत में भगत सिंह जन्मे हैं, इसी भारत में महाराणा प्रताप जन्मे हैं, और इसी भारत में हमारे इतिहास के हीरो एक्टर शिवाजी भी जन्मे हैं। लेकिन आपने कभी देखा कि इनके पीछे हाथ किसका था बनाने में? इनको ऐसा व्यक्तित्व, इनको ऐसा चरित्र उनकी मां ने दिया। कभी भी उनको शैतान, बुद्धू, कुंभकर्ण की औलाद, खून पिया, सरदर्द के नहीं बुलाया। आज हम सब जानते हैं शिवाजी को शिवाजी बनाने में सबसे बड़ा हाथ जीजाबाई का था। अगर जीजाबाई ना होता तो भारत शिवाजी से वंचित होता। आज भारत को शिवाजी जैसा पुत्र मिला उसके पीछे जीजाबाई का हाथ है। और जीजाबाई की एक विशेषता थी कि वो कभी भी अपने बच्चे को शब्द से नहीं बुलाती थी जिसे वो देखना नहीं चाहती थी। जब जीजाबाई अपने बच्चे को जगाती थी या उसको बुलाती थी, संबोधन करती थी, तो शैतान भूत कहकर नहीं। एक घर में हम गए, बड़ी प्राउड से उसकी मम्मी ने आवाज लगाया, मेरे दाऊद बेटे कहाँ हो तुम? मैं हैरान हो गई, ये इतना बड़ा राक्षस ही मिला था तुम्हें नाम रखने के लिए? 33 करोड़ देवी देवता है भारत में, कोई तुम्हें देव नाम नहीं मिला था, दाऊद ही नाम मिला था रखने के लिए। लेकिन जीजाबाई कैसे बुलाती थी? जीजाबाई कहती थी, मेरे राजे बच्चे उठ जा, मेरे चरित्रवान बच्चे उठ जा, मेरे बहादुर वीर पुत्र उठ जा, मेरे देश की शान उठ जा। जो जो कहकर पहली आवाज लगाई वो शिवाजी का व्यक्तित्व बना, चरित्र बना, जीवन बना और भारत की शान बना। अगर जीजाबाई शिवाजी दे सकती है तो क्या आप एक एक पुत्र भारत को ऐसा नहीं दे सकते? क्या दे सकते हो या नहीं? आप भी भारत को ऐसा पुत्र दे सकते हो और इस भारत को पुनः राम राज्य बना सकते हो, स्वर्ग बना सकते हो, विश्व गुरु बना सकते हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सुखी रहिए, खुश रहिए, निरोग रहिए, हंसते रहिए। एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे, भारत माता की जय।